कलीसिया की शुरुआत। यीशु के स्वर्ग जान के बाद चेला नाउन यरूशलेम में रुकिन, जसो कि यीशु ने उनको करण की आज्ञा दे होती। वहां के विश्वासी लोग लगातार एकजुट होय के प्रार्थना करण के गुना जमा होत होती। हर साल फसह के त्योहार के 50 दिन के बाद यहूदी लोग पिंतेकुस्त नाम को एक महत्वपूर्ण दिन को मनात होतीन। पिंतेकुस्त के दिन वो समय होतीस जब यहूदी लोग गेहूं की कटाई को मनात होतीन। पूरे संसार में यहूदी लोग पिंतेकुस्त के दिन को एकजुट होए के मनान के गुना यरूशलेम में आए होतीन। या साल पिंतेकुस्त मनान को समय यीशु के स्वर्ग को चले जान के बाद लगभग एक सप्ताह के बाद आए होतीस, जो समय सपाई विश्वासी लोग एकजुट जमा भइन, तो जो घर में ही होतीन अचानक से हु तेज हवा की आवाज से भर गई। तब आगे की लपट के जसो दिखन वाले कई सपाई विश्वासी लोग ना उनके मुंडी के ऊपर प्रकट भइस। ही सपाई पवित्र आत्मा से भर गईन और उन्होंने अन्य भाषा में परमेश्वर की महिमा करीन। या वह भाषा होती जिनको बोलन के गुना उनको पवित्र आत्मा ने सक्षम करे होती। जब यरूशलेम में रहन वाले लोग न उनने वह आवाज सुनीन तो ही गर्दी के रूप में यो देखन के गुना एक संग आईन कि का हो रही है। उनने विश्वासी लोग न उनको परमेश्वर के जरिया से करे गए बड़े बड़े कामनाउन की घोषणा करते हुए सुनीन ही चकित भय गई तीन काया कि ही हुन कामनाउन को अपनी हिज भाषा में सुनत होतीन। हिनके में से कई लोग नाउन ने कहिन कि ही चेला लोग नशा में हत, पर पतरस थाड़ो भईस और हुनके से बोलिस, मोरी बात सुनो, ही लोग नशा में नहीं आत, एके अलावा जो तुम देखता हु चाहे जो योयल भविष्यवक्ता ने कहे होतीस कि होए, परमेश्वर ने कहिस आखिर के दिन नाउन में मैं अपनी आत्मा उंडेलू। हे इसराइली मानुष नाउन, यीशु एक असो मानुष होतीस जेने यो दिखान के गुना की हु कौन होतीस, बहुत से अनोखे काम करे होती, उन्हें परमेश्वर के सामर्थ से बहुत से आश्चर्यचकित काम नाउन को करे होतीस। तुम यो जानता हो काया कि तुमने हिन कामनाउन को देखे हो, पर तुमने ओको क्रूस पे चढ़ा दिए हो। यीशु मर गईस, पर परमेश्वर ने ओको मरे में से जिंदो कर दीस। एने वा बात को पूरो कर दीस जे को एक भविष्यवक्ता ने लिखे होतीस, तू अपने पवित्र लोग को कबर में सड़र नहीं देबेन। हम गवाहीदार हन कि परमेश्वर ने यीशु को फिर से जिंदो कर दीस। परमेश्वर दादा ने अब यीशु को अपने डाए किना बैठा के ओको आदर देस, और यीशु ने हमारे गुना पवित्र आत्मा भेजिस है जसो कि ओने भेजन की प्रतिज्ञा करे होतीस। पवित्र आत्माच हुन कामनाउन को होन देत रहे जिनको तुम देख रहे हो और सुन रहे हो। तुमने हु मानुष यीशु को क्रूस पे चढ़ा दे हो, पर पक्कोच यो जान ले कि परमेश्वर ने यीशु को सप्पाई चीज ना उनको प्रभु और मसीह दोई कह के हैराइस। पतरस की सुनन वाले लोग ओके जरिया से कही गई बात नाउन से अंदर तक हल गए होतीन। एके गुन्ना हुन्ने पतरस और चेला नाउन से पूछिन, हे भाव नाउन, हमा को का करे पाइजे। पतरस ने उनको उत्तर देस, तुम्हारे में से हर एक अपने पाप नाउन के गुना पश्चाताप करे, ताकि परमेश्वर तुम्हारे पाप ना उनको माफ करे और यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेने, तब हु तुमको वरदान के रूप में पवित्र आत्मा भी देहे। पतरस ने जो कहिस ओके पे लगभग 3000 लोग ना उनने विश्वास करीन और यीशु के चेला ना उन बन गईन। हुनने बपतिस्मा लेन और यरूशलेम की कलीसिया को हिस्सा बन गईन। जब प्रेरित नाउन ने उनको शिक्षा देन, तो विश्वासी नाउन ने लगातार वचन सुनिन, ही हमेशा मिलत होतीन और एक संग जीवन करत होतीन, और हुन हमेशा एकमेक के गुना प्रार्थना करत होतीन।
हुन ने मिल के परमेश्वर की भक्ति आराधना करीन और जो कई भी हुन के जवर होतीस हुन ने एकमेक के संग बाट ले। शहर को हर एक मानुष हुनके गुना साजरो विचार रखत होतीस। हर दिन ज्यादा से ज्यादा लोग विश्वासी बनत गईन।